कौन मास्टर स्ट्रोक शर्मा कुतार का हरिया जब उनके मालिक पुरखा को ढूंढ नहीं गए पाई भाई नौकर जाकर का करी है वह क्या जेब का तनी है कह रहे हैं कि आपकी नौकर के हाथे हरवाना है हरिया नौकर कुटना जबाना जब तो आप देख रहे हो कांग्रेस ने बताया कि यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला केएल शर्मा को उतार के क्या लग रहा है कुछ नहीं गलेगा पाँच साल दिखाई नहीं देते हैं और लास्ट में एक महीना आते हैं जनता बेवकूफ है क्या की बताइए क्या लग रहा हम भैया एक पेंशन पाई हाँ। किसान निधि पाई हाँ। मकान बावा पानी मिले बिजली मिले टट्टी मिली कांग्रेस वांग्रेस नहीं यही चाहिए थी की बात भाजपा का है दादा हाँ कहाँ करे भाजपा आपके अरे हमें सबको दे दिया है कहाँ दिए सर गल्ला दिए रुपया हाँ। दिए पैसा दिए सबका है सब फ्री है सेवा है हाँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल माहौल एक तरफा है हाँ झूठ हाँ 400 पार कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला है दोन कौन मास्टर स्ट्रोक शर्मा कुतार का हरिया जब उनके मालिक पुरखा को ढूंढ नहीं गए पाई हाँ। नौकर जाकर का करी है वह क्या जेब का तनी है कह रहे हैं कि आपकी नौकर के हाथे हरवाना है हरिया नौकर कुटना जबाना जब तो अब देख लो अब देख लो जबाना जब तो हो जाए अब देख लो रोड पर और दारू के ठेके पर और छोटे मोटे चाय के टपरी पर जो 200 रुपए पार जाते हैं वही दिख रहे हैं हाँ। बाकी गांव में उनका वोट नहीं है बदलाव होने वाला है क्या बिल्कुल हवा में उड़ जाएंगे अच्छा मैडम बदलाव होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा दादा ने बता दी कि बदलाव होने वाला है इस बार होने वाला है। तो क्या लग रहा है स्मृति ईरानी हार रही है स्मृति ईरानी जीत रही है बंपर वोटर 400 पार 400 पार झूठ बोल रहे हैं नहीं नहीं 400 पार जीतेंगे 400 पार जीतेंगे 4 लाख से अरे कांग्रेस कह रही हमको जिताओ इस बार कर्जा माफ नहीं 400 पार है कुछ नहीं सब माफ हो जाएगा और कांग्रेस बोल रही है गरीब को 1 लाख रुपए देंगे 1 लाख कितने गरीब है उत्तर प्रदेश में कहां से 1 लाख देंगे ये उनसे सवाल कर्जा माफ कर देंगे भाई कुछ हो रहे ये सब कहावत है तभी बताइए सारी बातें झूठ है कुछ भी नहीं है 400 पार 400 पार क्या लग रहा है क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है मोदी की हाँ? अरे ब्राह्मण तो मैदान में उतरा है कांग्रेस की तरफ से अरे भैया ब्राह्मण के यहाँ से वही गए बताइए सुन रहे ब्राह्मण कह रहे ना को पंडित किशोरीलाल शर्मा कह रहे हैं अरे भैया पंडित आज से बने 4 बार इलेक्शन यहाँ लड़े लड़ा है तब तक पंडित नहीं रहे आज से उनका पंडित मैं नहीं बताओ पंडित पहले कह रहे भैया पहले कह रहे नहीं नहीं व्यक्तिगत जो होता है वो अलग होता है आप समझिए आप किसी को जाति के हिसाब नहीं कर सकते हैं किसी की जाति जो है चुनाव लड़ने में ले जाती है वो है वो है क्या लग रहा है इस बात को माहौल क्या लग रहा है यहाँ पर माहौल गर्म है सत्यता ये है अच्छा माहौल गर्म है कह रहे हो 400 पार माहौल इसलिए गर्म है हाँ। एक वर्तमान मुख्यमंत्री हाँ। एक ही जिले में 2-3 दिन में रैलियां करना आप समझते हैं क्या होता है अच्छा छोटी सी बात है हाँ। एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आप 2-2 रैलियां एक ही जिले में कर रहे हैं किस लिए अगर गर्म है आपको लगता है 400 पार है तो काहे कर रहे हैं फिर रैलियां बैठिए आराम इकबाल चुनाव उतार हो गया जनता के लिए जनता से मोह है पब्लिक से मोह है इसलिए कर रहे हैं उससे बात करिए थोड़ी देर दादा का नाम है राम प्यारे कहाँ घूम रहे हो है रैली बावन तो कैसे सरकार चाह रहे हो दादा आप अरे यही चाहबे कई से हम है? यही भाजपा कहे कांग्रेस का है नहीं कांग्रेस वांग्रेस नहीं यही जाए थे की बात भाजपा का है दादा हाँ कहाँ करे भाजपा आपके अरे हमें सबको दे दिया है कहाँ दिए सर गल्ला दिए रुपया हाँ। दिए पैसा दिए सबका है सब फ्री है सेवा है हाँ। ही जाता है कांग्रेस कह रहे की अब की हमका जितो तो कर्जा माफ कर दे सब कुछ कर दे कहा लग रहा ठीक है भाई माफ करे जब तब है अच्छा अरे कई वादा कांग्रेस की कई वादा मुलायम सिंह की है सब बेकार है दादा का नाम है जगदेव कहाँ लग रहा हम भैया एक पेंशन पाई हाँ। किसान निधि पाई हाँ। मकान बावा पानी मिले बिजली मिले टट्टी मिली पहले कहाँ मिला था हाँ। नहीं मिला था इससे पहले हाँ। तो कहाँ लग रहा है यहाँ माहौल क्या है अरे हम मुझे भाजपा दे पे कांग्रेस न रहे हो कह रहा कर्जा माफ कर दे आप लोग अच्छा किसानों कमा ले रहे हो सीधी बात कर रहे हैं भैया बताइए कहाँ घूम रहे हैं पहले कुछ नहीं थी रोडे नहीं थी हमारे यहाँ हालियापुर जाते थे पुल नहीं था 3-3 घंटे जाम लगता था हाँ। अब 4 लाइन पुल बन गए हैं क्या लग रहा है ये कह रहे हैं केएल शर्मा को उतार के यहाँ पर कांग्रेस ने मजबूत केएल शर्मा बहुत पीछे जाएंगे अच्छा बहुत कम वोट पाएंगे दादा आइयो यहाँ कहाँ घूम रहे हो आओ 2 मिनट धारो बात चली जाए कहाँ टहर रहे हो है कहाँ मोदी का कोई का जिता रहे हो मोदी का राहुल गांधी क्या कहो आप नहीं हम कहूँ ना कहा भाई आप बताओ आपके साथ क्या लग रहा है हम तो आए मोदी का अच्छा मोदी के रैली देखा है योगी जी के छाव में एक मिनट
चलिए आज के युवा किस सरकार से आ रहे हैं आप बताइए, क्या आप अपने युवाओं को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं, ये लोग क्या चाह रहे हैं? अरे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चाह रहे हैं, स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाह रहे हैं, सनातन धर्म की सरकार चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन जो कांग्रेस ने बताया कि यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला केएल शर्मा को उतार के, क्या लग रहा है? कुछ नहीं गलेगा। पांच साल दिखाई नहीं देते हैं, लास्ट में एक महीना आते हैं, जनता बेवकूफ है यहाँ की, बताइए। लेकिन क्या तो रहेगी टक्कर है, लग रहा है कुछ नहीं देखिएगा, सब हिंदू में पूरा देख लीजिए, बस शुरू से 2 लाख पार होगा इस बार, 2 लाख पार। इतना होता तो राहुल गांधी क्यों भागते हैं बताइए? राहुल गांधी माँ की विरासत संभाल लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उनकी बेटी संभाल सकती थी, प्रियंका गांधी संभाल सकती थी, चुनाव कैंपेनिंग करना था बता रहे, ऐसे बहुत लोग स्टार कैंपेनर है, ऐसी गलत चीज है, ये भागने के सब बहाने हैं, कह रहे मोदी जी की कुर्सी हिला देंगे इस बार, वो तो देखिए कि 4 जून को किसकी कुर्सी हिलेगी। क्या लग रहा है कि सरकार कैसी है ये? सरकार बहुत अच्छी है, सरकार अच्छी है, काम वाम किया नहीं? बहुत काम किया है। कांग्रेस बता रहे पड़ रहा है यहाँ भारी है? अरे कुछ नहीं भारी है, यहाँ कोई काम ही नहीं किया, भारी क्या होगी? अरे केएल शर्मा आए हैं। अरे कुछ नहीं, शर्मा भाग जाएंगे। अच्छा, हाँ भाग जाएंगे। चले दादा आपसे बताए बात करें, क्या नाम है भैया? मोहनलाल नाम है। कहाँ जा रहे हैं मोहनलाल जी? जा रहे रैली में। दादा तो आ जाओ तू लोग भाई, आप तो इधर आ जाओ, आप लोग पूरी टीम है दादा, दादा इधर खड़े हो जाओ, मिनट कहाँ दादा कहाँ घूम रहे हो? रैली में आए हैं। क्या करने आए रैली में? रैली में आए हैं योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में। सरकार खुश है? सरकार खुश है जी, बिल्कुल खुश है। कांग्रेस से खुश है? नहीं, योगी मोदी की सरकार से खुश है। हाँ, कांग्रेस करेगी कि जीताओ कर्जा माफ हो जाए? अरे कर्जा नहीं तो कुछ ना माफ करिए भाई, है क्या कहता है कर्जा माफ, रोज पेपर में होते हो, खुद कर्जदार है, कहा कर्जा माफ करिए। और अमेठी में क्या होने वाला है? अमेठी में इस बार बढ़िया दीदी स्मृति ईरानी जी यहाँ पे जीतेंगे। जो केएल शर्मा तो गए, हाँ। अरे गए, उनको प्लान भेज दिया जाएगा। की बात हमसे पूछो, हाँ। हम लोग बहुत गरीब थे, हाँ। ना हमारे पास था घर था, ना नल था, ना नाली थी, हाँ। ना रोड था। साफ सुनिए गौर से, हाँ। आज से 5 साल पहले, हाँ। ना हमारे पास घर था, ना नाली था, ना जगह था, ना जमीन था, हाँ। हमारे जब से SB ठाकुर, हाँ। महुआ कठौरा के मऊजा के रहवासी है, हाँ। जब से वो जिंदा वो जीते वोट में, हमारा घर तोड़वाया, मकान तोड़वाया, सुनिए हमारी बात, सब तोड़वा के हमको झोपड़ी थी एकदम, हम लोग टट्टी में रहते थे, हाँ। कठौरा मऊजा में देखना, महुआ भोज के अंदर में, हाँ। हम लोग टट्टी में पहले रहते थे, हाँ। जब से हमारे SB ठाकुर जिंदा हुए, हाँ। हमारा घर तोड़वा के हमको पलाट दिलवाया, तो हो गया आदित्यनाथ ने जब से हमारे मकान दिया, घर दिया, हमको घर दिया, मकान दिया, हो गया आदित्यनाथ। ये क्या कह रहा है कांग्रेस? कह रहे की यहाँ पर क्या समय उतर के मास्टर स्ट्रोक खेला, क्या लग रहा है? अमेठी ने मन बना लिया है, अमेठी पूर्ण बहुमत से भाजपा को ला रही है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी को। हाँ जी, सही लग रहा है कि आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मंत्री जो आपके सामने खड़े हैं, इनके बाद आज से 10 साल पहले कुछ नहीं था, हाँ। मेरे पापा प्रधान है, SB सिंह नाम है, हाँ। इन्होंने इन लोगों के लिए कोशिश की, गवर्नमेंट से बात किया, सब कुछ किया, इनको मकान दिलाया, आज की डेट में आप जाके देखिए गाँव के मकानों से अच्छा मकान इनका बना है। राशन में बदलाव नहीं होने वाला? अमेठी में बदलाव कोई नहीं होने वाला, यूपी अमेठी में नहीं, पूरे इंडिया में कोई बदलाव नहीं होने वाला। बदलाव होगा लेकिन बेहतर बदलाव होगा, पिछली बार से ज्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे, जीत रही है दीदी जी। कांग्रेस जीत रही है दीदी जी? जी जी।